मेरे राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया मेरे राखी के डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है, भैया दे दो कलाई बहन आई है। हर रिश्ता है सावन महीना है सावन, कलाई बहन मेरे राखी के डोर कभी हो ना कमजोर, कलाई बहन आई। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भावी बायो केम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जैसे पता हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षा बंधन टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ माय डियर सिस्टर ब्रदर्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं आपको राखी की। तो स्टूडेंट, हम जैसा कि आपको पता होना चाहिए आज राखी है, आज दिन राखी बांधा जाता है, रक्षाबंधन बहन जो होती है भाई को बांधती है, समझ रहे हो आप। आपको हम भाई भाई के अगर बुलाते भी हैं पढ़ाते समय, को याद होगा तो पढ़ाते हैं टर्म क्या देते हैं, हाँ भाई, समझ माया भाई, भाई क्यों बोलते हैं, इसका कभी आपने गेस किया है अगर आपको हम भाई क्यों बोलते हैं, सोचा है कभी भाई क्यों बोलते हैं, नहीं सोचा होगा ना भाई, नहीं सोचा होगा। आज इसका मतलब बता दें भाई का मतलब आपको जब हम भाई कहकर पुकारते हैं, समझ लो अपने दिल से आपको पुकार रहे हैं, समझ रहे हो, आपको दिल से जब बोलते हैं मतलब अपने स्टूडेंट को दिल से बोलने का मतलब भाई, तो इसको भाई कहते हैं भाई। ऐसा मतलब बच्चियाँ मतलब सोचेंगी हमको बहन नहीं कहते, मतलब बहन भी भाई, मतलब भाई का मतलब अगर अपनी मतलब हम डिफाइन करें भाई तो मतलब दिल से, आपको दिल से मतलब, समझ रहे हो आप, हमारे दिल के तार हैं इस वजह से भाई टर्म यूज करते हैं स्टूडेंट। दिल का मतलब सबकॉन्शियस माइंड में, समझ रहे हो, नहीं सबकॉन्शियस माइंड में आप हैं, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें स्टूडेंट भाई जो भी पढ़ाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आता होगा स्टूडेंट, आज रक्षाबंधन है तो फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। एक चीज़ और स्टूडेंट कहना चाहेंगे कि भाई आप परिवार हैं, आप फैमिली मेम्बर बन चुके हैं तो आपको कह सकते हैं तो थोड़ा बहुत, तो जैसे स्टूडेंट कुछ भाई जैसे हमारे वीडियो देखते हैं तो कुछ स्टूडेंट को जैसे अगर वीडियो हम शेयर करेंगे, इससे होगा क्या और स्टूडेंट मतलब बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा और स्टूडेंट के पास जाएगा। अगर भाई आप स्टूडेंट कम्युनिटी की मदद कर रहे हैं तो इसमें आप में बहुत बड़ी बात होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे स्टूडेंट अभी बहुत आ रहे हैं जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई आपके लिए हम इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो भाई आपका फर्ज बनता है कि वीडियो शेयर करिए ताकि जिससे और स्टूडेंट जान पाएँ। अब आपको ऐसा लगता होगा केवल हम ही जाने बहुत है, तो स्टूडेंट ऐसा अपने तरीके मत रखो, अपने ही पास मत रखो उसको, और स्प्रेड करो और फैलाओ जिससे स्टूडेंट कम्युनिटी, समझ रहे हो, वो स्टूडेंट अगर कुछ चीज़ सीखेगा, समझ रहे हो, वीडियो से सीखा आपने किसी स्टूडेंट के पास अपोज भेजा, अब वो स्टूडेंट वो बच्चा क्या होगा सीखा उस वीडियो से, अब सीखने के बाद क्या होगा भाई, सीखने के बाद यही होगा वो स्टूडेंट आपको दुआ देगा, सोचेगा कि अगर उसको समझ में आ गए चीज़ों को तो आपको दुआ देगा, कहेगा पहले ये हमारा दोस्त, समझ रहे हो, ये वो हमारे पास वीडियो भेजा था जिसकी वजह से हमने चैनल को जान पाया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे चैनल के बारे में नहीं जानते, ध्यान देना स्टूडेंट, बार बार कह रहे हैं आप शेयर करेंगे जिससे, आप एक फैमिली मेम्बर है तो आप शेयर करेंगे क्या होगा, समझ रहे हो, बच्चे आएंगे जिससे फैमिली हमारी और बढ़ेगी। तो स्टूडेंट बस यही थोड़ा सा मैसेज है, तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर कर दिया करें जिससे काफ़ी स्टूडेंट जुड़ सकें, ध्यान देना। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, तो कहने का मतलब बस बहुत सारी बातें जो दिल की बातें आपसे, आपको जो भी मतलब एक बात और आपको बता दें, कुछ लोग कहते हैं कोचिंग पढ़ाइए सर, कोचिंग पढ़ाइए, कोचिंग क्यों नहीं पढ़ाते हैं भाई, आपको एकदम सिंपल सी बात बता दे रहे हैं, कोचिंग मतलब एक हिसाब से हमको आपसे आपको दिल से बात, दिल की बात में बता रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि हम आपसे कुछ पैसा खींचें, आपसे हमको पैसा नहीं खींचना है, समझ रहे हो, आपसे भाई एक कनेक्टिविटी बनानी है, मतलब दिल का तार है इस हिसाब से कनेक्टिविटी जो आप और हमारे बीच, वीडियो में आप पा सकते हैं ये चीज़ें, जरूरी नहीं कि आपसे हम पैसा लेकर के आपको पढ़ा देंगे लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगा, मतलब संतुष्टि नहीं आएगी, समझ रहे हो, नहीं वो संतुष्टि वो फीलिंग नहीं आएगी। तो पैसा जरूरी है ऐसा नहीं, मनी भाई मनी मनी की नीड सबको है, ऐसा नहीं मनी की नीड नहीं, बट आपसे ऐसा स्टूडेंट का मन के लिए ऐसा, तो भाई आपके लिए अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट आपको स्प्रेड करिए, फैलाइए, आप नहीं फैला
कराएंगे तो कौन सा कराएगा बताओ। तो आई होप स्टूडेंट आप वीडियो शेयर करेंगे। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा स्टूडेंट, अगेन रात में ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सब अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। देन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, आज हम जो कि पढ़ने वाले हैं क्लास इलेवंथ की बायोलॉजी, ध्यान देना। जैसा कि हम क्लास इलेवंथ की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ड, ध्यान देना द लिविंग वर्ड, यानी कि उसमें हमने जाना था कि लिविंग क्या होता है, सजीव क्या होता है, सजीव लिविंग कैरेक्टर्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देन इसमें हमने समझा था कि लिविंग प्रॉपर्टीज जो होती है, यानी कि नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है क्या, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, कमेंट करके बताएंगे इलेवंथ वाले स्टूडेंट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है कमेंट करके बताओ, ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है, तब नहीं बताएंगे तो हम पढ़ा चुके हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, बात करने जा रहे हैं आपका, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ये कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, किसके बारे में बात करते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो भाई डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अब भाई आपको पता होना चाहिए सजीवों में विविधता कितनी है, कितनी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं, तो वही इसमें समझना है, देयर आर मोर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर इन द अर्थ, बहुत सारे वैरायटी के जीव आपके अर्थ पर पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं। अब वो सभी जीवों को एक हम क्या करना, वर्गीकृत करना, उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है, अगर उनको क्लासिफाई नहीं किया जाएगा तो वो क्या दिक्कत हो जाएगी, आप चीज़ों को अच्छे से मतलब बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा। अब आपको पता होना चाहिए अभी तक आप दो जगत जानते हैं, जगत जंतु जगत और पादप जगत, लीनियस के समय में दो ही जगत, मतलब अभी तक दो ही जगत आए हैं, अभी कैसे आए जगत अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, मतलब कि एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल पे अगर बात करें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की, तो दैट इज द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओवरऑल इसको हम बायोडाइवर्सिटी भी टर्म यूज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी, देयर आर द मोर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की कितनी सारी विविधताएं पाई जा रही है। अगर हम बात करें अपने अर्थ पर, तो अर्थ पर बहुत सारी जीव की विविधताएं बहुत सारे नंबर्स में पाए जाते हैं, समझ रहे हो, कहने का मतलब कि जीवों की वैरायटी की बात करें तो बहुत सारे वैरायटी में ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। अगर हम इस अर्थ पर देखें, इस पृथ्वी पर देखें, तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीव क्या है, सबसे अधिक मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि अगर बात करें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज्यादा संख्या में पाए जा रहे हैं, अभी तक इनके बारे में हम 1% भी नहीं जान पाए हैं, कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, समझ पा रहे हो नहीं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पूरे एनवायरनमेंट में क्या हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं, ध्यान देना, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पूरे एनवायरनमेंट में क्या है, स्प्रेड हुए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतनी सारी वैरायटी पाई जा रही है जो कि 1% ही हमको जाना है, सोचो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा क्या है अर्थ पर, सोचो बर्ड्स, बहुत सारी वैरायटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले आ जाते हैं, जैसे उसमें हम बात कर लेते हैं सिंपल सी बात, इंसेक्ट आते हैं सबसे ज़्यादा, इंसेक्ट बाद उसकी बर्ड्स की बात करते हैं, इंसेक्ट की बहुत सारी वैरायटी होती है, संघ आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में, अब फाइलम आर्थ्रोपोडा में जब देखते हैं इंसेक्टा वर्ग की, तो बहुत सारे इंसेक्ट पाए जाते हैं, बहुत सारे वैरायटी में होते हैं, आपको पता होना चाहिए चार्ल्स डार्विन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट, समझ रहे हो, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक बुक के लेखक भी हैं, जो चार्ल्स डार्विन को बीटल कलेक्ट करने का बहुत शौक था, बीटल का मतलब समझते हो भाई, जो भौरा होता है ना, जब पहले तुम लालटेन जला के पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते आके गिरता था ना एक काला सा भौरा, उसके ऊपर हो सकता है बुक किताब तो रफ रखते थे, तो रफ क्या होता था, नाचने लगता था, कहते थे जादू, तो जादू तो कुछ नहीं था, बीटल, वही बीटल डार्विन क्या करते थे, उसको कलेक्ट करते थे डार्विन, और कलेक्ट करके क्या कहाँ पे अपने किताब में रख लेते थे, सोचो साइंटिस्ट बीटल कलेक्ट करते थे, अब आजकल क्या करते बीटल, अब हम इंसेक्ट थोड़े ना पकड़ेंगे, कीड़े थोड़े ना पकड़ेंगे, सोचो डार्विन की ये उनकी इच्छा थी, जिज्ञासा थी, समझ पा रहे हो नहीं। तो इंसेक्टा बहुत सारी वैरायटी, इंसेक्ट आते हैं बर्ड्स, पक्षियाँ, बहुत सारी वैरायटी में पक्षी पाए जा रहे हैं, बहुत सारी वैरायटी में, बहुत एक स्पीसीज के अंदर घुस जाए तो बहुत सारे पक्षी, अभी इतने पक्षी जिनको खोजा नहीं जा सकता, कभी आप जंगल में निकलिए पक्षी का फोटोग्राफ लेने के लिए, तो इतने सारे पक्षी आपको इतनी वैरायटी में देखेंगे, आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते जितने पक्षी की वैरायटी है, पक्षी नहीं बहुत सारे जीव, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, समझ रहे हो, तो जितने भी जीव की कैटेगरीज है, अभी हम आगे बात भी करेंगे जितने भी जीव की कैटेगरीज है, तो अगर बात करें प्लांट्स की भी बहुत सारी वैरायटी है,
मैं रहा हूँ पौधों की, प्लांट्स के बाद एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की भी होगी। प्लांट्स में भी बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट का मतलब कि जीरो से लेकर जीरो लेवल से हायर लेवल, लोअर लेवल हायर लेवल। लोअर लेवल की बात करते हैं तो बात आती है थैलोफाइट्स की, थैलोफाइट्स ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट बट टेटोफाइट, टेटोफाइट बट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट। समझ में आ रहा है पहले बताओ। अभी ये वर्ड से मत घबराओ, अभी इस वर्ड से मत घबराओ, अभी चीजें आपको तब तक समझ में आएंगी। आगे समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कहने का मतलब इतने सारे जीव हैं, और एनिमल में बात करें माइक्रोस्कोपिक और एनिमल में प्रोटोजोआ आ जाता है, प्रोटोजोआ पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद फिर क्या आता है सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा के बाद एस्केलेमेंथिस, एस्केलेमेंथिस के बाद प्लेटेलमेंथिस, फिर प्लेटेलमेंथिस के बाद क्या आता है, प्लेटेलमेंथिस के बाद क्या आता है, क्या आता है मोलस्का, मोलस्क के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा के बाद भाई उसी में एनिलीडा, एनिलीडा फिर इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा के बाद फिर आपका क्या आता है कार्डेटा, कार्डेटा में हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा। आगे वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं उसका क्लास, क्लास पढ़ते हैं मैमल्स, रेप्टिलिया, समझ रहे हो, मैमल्स, रेप्टिलिया, फिशेस, बर्ड्स, बहुत सारी क्लास पढ़ते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? ये सब हम पढ़ेंगे आगे, सब पढ़ेंगे डिटेल में। कहने का मतलब इतने सारे जीव आज हम पढ़ते हैं, जब भी जीव को पढ़ते हैं व्यवस्थित क्रम में पढ़ते हैं, और जो जीव को व्यवस्थित क्रम में पढ़ते हैं कहने का मतलब अपने आप में जितने वैज्ञानिक रहे हैं, ये वैज्ञानिकों ने क्या किया हमारे लिए बहुत बड़ा काम करके चले गए हैं, बहुत बड़ा काम इन द सेंस कि अब हम चीज़ों को बहुत ही सिक्योर वे में पढ़ते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है कि 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिज्म की वैरायटी जो 1.7 to 1.8 मिलियंस पाए जाते थे। इसके अलावा उसको हमने बायोडाइवर्सिटी टर्म में बोला, बायोडाइवर्सिटी से कंफ्यूज नहीं होना, दे आर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की अलग अलग प्रकार की वैरायटी, कितने वैरायटी में जीव पाए जा रहे हैं, दे आर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी जीवों की वैरायटी है अर्थ पर। अभी हम बहुत सारे जीव को जानते भी नहीं है, समझ रहे हो, इतने जीव को हम दिन पर दिन मार देते हैं, मारने का मतलब पैर के नीचे दब जाती है चींटी, मर जाती है, कभी देखते हो, कभी ध्यान ही नहीं देते हम लोग, समझ रहे हो, कुछ जीव मर जाता है पता ही नहीं चलता, बहुत सारे जीव मरते हैं जिंदा होते हैं। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की क्या है, बहुत लार्ज वैरायटी है, अधिक मात्रा में क्या है जीवों की वैरायटी देखी जा सकती है। अब देखो, अब भाई इतने सारे जब जीव पाए जा रहे हैं तो जीव का भाई एक नामकरण भी होना चाहिए, नामनक्लेचर भी होना चाहिए, तो नामन बिना नाम के कैसे जान पाओगे? तो नामनक्लेचर करने के लिए वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट कौन है अभी हम बात कर रहे हैं। तो नामनक्लेचर करने के लिए एनिमल और प्लांट, तो बात करते हैं हम नामनक्लेचर की, क्योंकि भाई अभी हमने बायोडाइवर्सिटी को समझा, बायोडाइवर्सिटी टर्म इसको बायो डाइवर्सिटी समझ लो, इसको बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात होगी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वैरायटी हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वैरायटी का मतलब इसमें हम समझ सकते हैं कि आपका भाई माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स इनकी बहुत सारी वैरायटी है, माइक्रोब्स, माइक्रोब बहुत सारे हैं, उसके बाद क्या है इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बाद क्या है बर्ड्स हैं, हाँ ना बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, बहुत सारी वैरायटी है आपके एनसीईआरटी में मेन फोकस किया गया है इन पे ऊपर। तो भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बात करते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमने बताया 1% ज्ञान है, तो बहुत सारी वैरायटी है। तो यहाँ पर हम बताते भी हैं 1.7 to 1.8 मिलियंस, और इसी में ध्यान देना तुम्हारे प्लांट्स, दे आर द मोर कैटेगरीज, ये प्लांट्स पौधे की बहुत सारी वैरायटी है, प्लांट्स के बाद एनिमल, एनिमल पौधे बहुत सारे हैं, एनिमल्स भी बहुत सारी वैरायटी के पाए जा रहे हैं, बर्ड्स बहुत सारी वैरायटी की, एक स्पीसीज में घुस जाए अगर बर्ड्स की तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, पहचान नहीं पाओगे कितनी सारी पक्षियां हैं, कितने सारे बर्ड्स हैं, आप देखते होगे अलग अलग जगह पे फोटो लगा रहता है बर्ड्स की। तो इंसेक्ट बहुत सारे इंसेक्ट हैं, आर्थ्रोपोडा संघ जितने भी इंसेक्ट आप चूटी वूटी जो देख रहे हो, मक्खी चूटी मधुमक्खी बहुत सारी, सबसे बड़ा फाइलम जिसको माना गया है। आगे फिर माइक्रोब्स, समझ रहे हैं माइक्रोब्स के बारे में, बहुत सारी वैरायटी है, तो इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, देयर आर दी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब जरा हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, आगे हम किसके बारे में बात करते हैं, जो इतने सारे प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है कि नहीं, इतने सारे प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब है, तो इन जीवों को भाई, इन जीवों को क्लासिफिकेशन करना भी चाहिए, इन जीवों को क्या करना चाहिए, क्लासिफिकेशन भी करना क्या है जरूरी है। तो इन जीवों को क्लासिफिकेशन करने के लिए, इनका नाम देने के लिए, पहली बात तो नाम हम बात करते हैं इनका, कई तरीके से हम नाम रखते हैं, इतने सारे प्लांट है, इतने सारे एनिमल है, बर्ड्स है, समझ रहे हो, माइक्रोब है, मतलब बहुत सारे जो जीव हैं उनको कई तरीके से उनका नामकरण किया जाए। तो
तो नाम नाम क्लेचर करने के लिए भैया एक नामन क्लेचर सिस्टम आया है। नॉमन क्लेचर मतलब इन सबका जो नॉमन क्लेचर किस तरीके से किए जाते तो एक पद्धति है। जैसे एनिमल के लिए अलग है, प्लांट के लिए अलग है। जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए जो पद्धति बनाई गई ICBN, ध्यान देना कंफ्यूजन नहीं होना, ICBN बनाया गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और जितने भी एनिमल थे, जितने भी जंतु थे, जंतु के लिए ICZN। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। ICBN का मतलब कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और ICZN का क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सिंपल से समझो, ICZN का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और ICBN का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आपके NCERT में दो दिया है, अगर आप और बुक पढ़ेंगे तो एक आपको और मिलेगा ICBN। इसमें भी कंफ्यूज मत होना है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। और इसको मिल सकता है ICBN, भी मिल सकता है बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। तो NCERT पे फोकस करते हैं, ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। NCERT पे मेन फोकस तो दो मुख्य, क्योंकि भाई प्लांट की एनिमल की वेराइटी ही है, तो प्लांट एनिमल मुख्य रूप से है। इस अर्थ पर देखा जाए तो मुख्य रूप से माइक्रोब को वायरल नॉमेनक्लेचर बोल दे रहे हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल वायरोलॉजी से कोरिलेट कर देते हैं। तो भाई कहने का मतलब सिंपल सी ये बात है कि जितने भी प्लांट थे सभी को क्लासीफाई करने के लिए, सॉरी नॉमेनक्लेचर करने के लिए, बार क्लासीफाई निकल रहा है, क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे अभी। जितने भी प्लांट थे, जितने भी एनिमल थे, सभी को नाम देने के लिए, उनका नामकरण करने के लिए नामकरण पद्धति बनाई गई। वो नामकरण पद्धति एक है ICBN, एक है ICZN। ICBN जो है वो क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी जितने भी प्लांट थे उनको क्या कहा गया? उनको क्या कहा गया भाई? ICBN। और जितने भी एनिमल थे उनको ICZN के अंतर्गत उनका नॉमेनक्लेचर किया गया, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अभी तक लिनियस साहब के आने से पहले जितनी भी खोजें हुई हैं, आपको पता होना चाहिए, जितनी भी खोजें हुई हैं सब लगभग देखा जाए तो 20th century के आसपास चीज़ें देखी जा रही है। ध्यान देना, लीनियस के पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, वहाँ पर दो किंगडम आए थे। लीनियस की आते आते दौरान ही आए थे दो किंगडम, अभी तक जान रहे हैं जितने भी साइंटिस्ट हैं दो किंगडम के बारे में। एक तो एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम। वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट हैं वहाँ पे ये बता रहे थे कि ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूवेबल होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चल सकते हो, जो मूवेबल होते हैं, उसको मोबाइल टर्म मूवेबल बोल सकते हैं, उसको वहाँ पे क्या नाम दे रहे थे? एनिमल। ऐसे जीव चल रहे हैं उसे एनिमल बोल रहे हैं, बट ऐसे जीव जो क्या है स्थिर, जो चल नहीं पा रहे हैं उसको प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। सोचो आज अगर उस तरीके से हम बोले ऐसे जीव जो चल नहीं सकते प्लांट है, ऐसे जीव जो चल सकते हैं उसे एनिमल है। भाई इसका सही है नहीं सही है भाई? अब कुछ ऐसे जीव हैं जो चलते नहीं हैं, एनिमल ऐसे कुछ हैं जो चलते नहीं हैं, एनिमल क्या कर रहे हैं? चल सकते हैं। कौन सा एनिमल नहीं चल सकता बताओ? भाई साइकान आप पढ़ोगे पूरी फेरा में, वो एक पत्थर पे चिपका रहता है उसी पे। बहुत सारे जीव ऐसे हैं तो उसकी बात नहीं करते, चल नहीं सकते। तो उस तरीके से भाई कई साल पहले की बात हो रही, लगभग 20th century के आसपास बात हो रही, तो वहाँ पर साइंटिस्ट लोग कल्पना कर रहे थे, हाइपोथेसिस अपना अपना दे रहे थे। तो दो ही किंगडम आया था, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम, दो किंगडम आया था। ध्यान देंगे, गौर करेंगे स्टूडेंट, गौर ये करेंगे कि दो ही किंगडम आया था उस समय। एक तो आपका प्लांट किंगडम था, ये क्या था? प्लांट किंगडम पादप जगत, और ये क्या था? एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत। दो किंगडम था पहले के साइंटिस्ट, और पहले के साइंटिस्ट ये बता रहे थे जो चल सकते हो ये एनिमल है, जो मोटाइल है, जो मूवेबल हो, मोटाइल या मूवेबल कोरिलेट,
ऐसे जीव जो नहीं चल सकते हैं, नॉन मूवेबल और नॉन मोटाइल, उसे प्लांट कहते हैं, उसे प्लांट कहते हैं, सिंपल सी बात, उसे प्लांट कहेंगे। क्या ये सही है? नहीं सही है। इतने सारे जीव हैं, अब इतने सारे जीव को भाई एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम है, इनको नामक्लेचर भी करना है, इनका नामकरण भी करना है। नामकरण करने के लिए प्लांट की जितनी भी पद्धति रही, प्लांट को ICBN के अंतर्गत पढ़ा जाने लगा, इनका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामक्लेचर, और जितने भी एनिमल थे ICZN के अंतर्गत उनको उनका नामक्लेचर कर दिया गया ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामक्लेचर दैट इज द एनिमल, एंड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामक्लेचर दैट इज प्लांट्स। प्लांट के लिए अलग तरफ, एनिमल के लिए अलग तरफ, इंटरनेशनल पद्धति है, राष्ट्रीय पद्धति है, ध्यान देना। अब देखो इन सब के बाद, इन सब के बाद बता रहे हैं साइंटिस्ट, कल्पना कर रहे हैं, अब भाई नामक्लेचर आखिर करें तो कैसे करें, जो नामक्लेचर नामकरण करें तो कैसे करें, कैसे करें। बहुत सारे साइंटिस्ट आए अपना अलग अलग मत दिए, लेकिन हमारे महान साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट जिनको कहा जाता है कैरोलस लिनियस, ध्यान देना स्टूडेंट, क्या है, कौन महान साइंटिस्ट, दैट इज द कैरोलस लिनियस, महान साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, जिन्होंने जीवों के दो नाम दिए, क्या नाम दिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके कितने नाम दिए स्टूडेंट, उनके टू नेम बताए, बताए कि जितने भी जीव होते हैं उनके कितने नाम होते हैं, दो नाम होते हैं। साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे स्टूडेंट, साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, कैरोलस लिनियस लिख दिया है, कैरोलस, कैरोलस लिनियस, LIEUS। ये जो कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट थे, एक बार मिला लेते हैं, कैरोलस LIEUS, कैरोलस लिनियस, ध्यान देना ये जो कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट, जो कैरोलस लिनियस साहब थे, इन्होंने जीव के नॉमेनक्लेचर की मेन नींव दी, जो मेन हाइपोथेसिस नॉमेनक्लेचर के, ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर के लिए जो बताया, इन्होंने बताया, इन्होंने बताया लिनियस साहब ने, लिनियस साहब ने आखिर क्या बताया, इन्होंने जीवों के बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके दो नाम होते हैं, दीज आर दी बाई, जिसको बाइनोमियल, बाइनोमियल नॉमन क्लेचर सिस्टम को बोलते हैं, ध्यान देना, बाइनोमियल नॉमन क्लेचर, बाइनोमियल नॉमन क्लेचर पद्धति इनको बोलते हैं, द्विनाम पद्धति, हिंदी वाले ध्यान देना, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति खोज अगर पूछा जाए कितने की, तो कैरोलस लिनियस बाइनोमियल क्लेचर, बाइनोमियल नॉर्मल क्लेचर ही वाज गिवन बाय लिनियस, कैरोलस लिनियस, एंड इनको कभी-कभी लिनियस भी पढ़ते हैं साथ में, कैरोलस लिनियस पूरा नाम है, लिनियस भी बोलते हैं, एंड लिन भी कभी-कभी लिखा जाता है, लाइट वाले लिन कर दिए, और कभी-कभी ध्यान देना, कभी-कभी ध्यान देना कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो कौन है आपके, कैरोलस लिनियस इज आपकी फादर ऑफ, ले लेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी भैया वर्गीकी के पिता, वर्गीकी के पिता, वर्गीकी के पिता किसे कहा जा रहा है, किसे कहा जा रहा है भाई, किसे कहा जा रहा है, कैरोलस लिनियस को। वर्गीकी क्या है, अभी आगे बात करेंगे, वर्गीकी यानी वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, भाई जितने सारे वेराइटी के जीव पाए जाए उनको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाए, किस तरीके से उनको व्यवस्थित क्रम में रखा जाए, व्यवस्थित क्रम में रखना यानी पढ़ना की प्रक्रिया जो होती है वही तो वर्गीकरण है, वही क्लासिफिकेशन है, आगे हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो भाई कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि लिनियस साहब आए, अभी तक दो ही किंगडम पता है, और उनके लिए नॉमेनक्लेचर जब कर रहे हैं तो ICZN जूलॉजी के लिए, मतलब कि जंतु के लिए, और ICBN किसके लिए, प्लांट्स के लिए, पक्का पता ही नहीं, ये चीज हमें नहीं पता है। लेकिन जब जब कौन आए, जब तुम्हारे साहब लिनियस साहब आए, इन्होंने पूरी गुत्थी को सुलझा दिया, इन्होंने गुत्थी को सुलझाया क्या, इन्होंने ये बताया कि, ये बताया कि जो जीव होते हैं उनके दो नाम होते हैं, जितने भी जीव होते हैं उनके दो नाम होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, आप NCERT में लिखा है दैट इज द स्पेसिफिक नेम जिसको बोलते हैं, और स्पेसिफिक एपिथेट, कंफ्यूज नहीं, स्पेसिफिक एपिथेट, कहने का मतलब जीव भी जीव होते हैं, इनके दो नाम होते हैं, एक होता है दीज आर दी जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ध्यान देना सिंपल सी कहानी। जेनेरिक नेम का मतलब कि जिसको बोलते हैं जीनस, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जीनस, जीनस, दूसरा क्या होता है स्पेसिफिक का मतलब SPECIES, स्पीसीज, जीनस को हिंदी में बोलते हैं वंश, स्पीसीज क्या बोलते हैं जात, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जाति बोलते हैं। सिंपल सी कहानी है
बाइनामी नामक लेक्चर में बताया जाता है, जो साइंटिस्ट लिनियस साहब ने यही बताया कि जो जीव होते हैं उनके दो नाम होते हैं, पहला नाम होता है जेनेटिक नेम जिसको जीनस बोलते हैं, दूसरा नाम जीव का क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं भाई, स्पीसीज लिखते हैं, स्पीसीज यानी कि वंश, सॉरी जात, स्पीसीज का मतलब जात, स्पेसिफिक एपिथेट जिसको बोल रहे हैं। जरा सोचो जो हम आखिर नामन क्लेचर पढ़ रहे हैं कि नामन क्लेचर आखिर क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है नामन क्लेचर, सोचो भाई क्यों हम नामन क्लेचर पढ़ रहे हैं, पहले तो हमने भूल गए इसको बात करने, लेकिन बात करना चाहिए इस मुद्दे पर, नामन क्लेचर क्यों पढ़ रहे हैं भाई। जितने भी जीव हैं, जितने वेराइटी के जीव हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, जीव को तुम जान नहीं पाओगे, हर एक जीव को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, देसी नाम जिसको बोल सकते हैं, समझ रहे, लोकल नेम, लोकल नेम। सिंपल सी बात करें, अगर एग्जांपल लें सिंपल का, जैसे तुम इससे कोरिलेट करोगे, आलू ले लो, आलू एक ही एग्जांपल लेते, आलू अपने यहाँ तुम आलू बोलते हो, लेकिन बॉम्बे में महाराष्ट्र में जाओ आलू को क्या बोलते हैं, बटाटा, क्या बोलेंगे, बटाटा। और कहीं पे जाओगे ऐसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह और जाओ इंग्लैंड में, कहीं कहीं पर बोलते ट्यूडो, आलू को देखो तुम लोग तो आलू बोलते हो सिंपल भाषा में, देसी नाम आलू, बॉम्बे में क्या बोलेंगे, बटाटा महाराष्ट्र में, उसके बाद कहेंगे ट्यूडो, क्या बोलेंगे, ट्यूडो। और कहीं पे पोटैटो तो जान ही जाओगे, पोटैटो इंग्लिश में जान जाओगे, कहेंगे इसको पटीटो, पोटाटा, पोटीटो, सोचो पटाटा पिटीटो ट्यूडो बटाटा, इस नाम से आलू को अलग अलग देशों में जाना जाता है, इसको एमपी में जाना जाता है, पता नहीं कहाँ ट्यूडो बोलते होंगे, बोलते होंगे कहीं से, मतलब ट्यूडो के नाम से। सोचो भाई अगर इन नामों से आलू को जाना जा रहा है, सपोज आलू तुमको पता है नाम, तुमने गए होटल में, कहाँ महाराष्ट्र में होटल में गया बढ़िया से, वो जो होटल था बटाटा वेजिटेबल्स, बटाटा वेजिटेबल्स, बटाटा वेजिटेबल्स, सोचेंगे ये अच्छा चीज़ है, खाने वाला बढ़िया चीज़ है, लाओ 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 बटाटा, बटाटा जब आएगा आलू आप लोग बोलेगा हचक जाएंगे, कहेंगे वो तो भैया हम तो आलू जान रहे, तो बटाटा बटाटा चिल्ला रहा है, कहीं भी जाओ ट्यूडो ट्यूडो लाए, ट्यूडो खाओगे, ट्यूडो खाओगे, ट्यूडो ट्यूडो खाओगे, ट्यूडो का है, देखोगे क्या होगा आलू। तो कहने का मतलब एक चीज को कई नामों से जान रहे हैं, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को कई नामों से, जैसे चावल ले लो अपने यहाँ धान चावल, कहीं पर रूसो बोलते हैं इटली में इसको रूसो, राइस कहीं बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग जीव को, गौरैया को तुम लोग गौरैया बोलते हो, चिड़िया गौरैया चिड़िया, कहीं कहीं पर इसको जैसे जर्मनी में बात करें इसको हास्परलिंग बोला जाता है, हास्परलिंग बर्ड्स, हास्परलिंग बर्ड्स, अब हास्परलिंग बर्ड्स आप जाओ कहो हास्परलिंग बर्ड्स क्या है, देखोगे छोटी सी चुन्नी सी गौरैया, क्यों इसको हास्परलिंग बोल रहे हैं, समझ रहे हो, डर जाओगे, बोलो अलग अलग नाम, मतलब देसी नाम कई हैं, देसी नाम कई हैं, जैसे तुम ही हो अपने ले लो भाई, तुम्हारा अलग नाम होगा, स्कूल में अलग नाम होगा, घर पे अलग नाम है, मामा के यहाँ अलग नाम है, बुआ के यहाँ अलग नाम है, मौसी के यहाँ अलग नाम है, किसी किसी को होता है भाई अलग अलग नाम होता है, अलग अलग नाम से अलग अलग, मामा तुम्हारा चिंटू पिंटू, समझ रहे हो, चुन्नी मुन्नी, बहुत सारे अलग अलग नाम से, भाई अच्छा नाम होगा, मतलब तो कहने का मतलब तुम्हारा अलग अलग नाम है ना। तो ऐसे ही जीवों के भी कई कई नाम हैं, कहीं कहीं पे कौवा को भी कई नाम से जाना जाता है, कौवा कौवा पता नहीं क्या क्या है, तो ज़्यादा उस पर बात नहीं करते हैं, सिंपल सी कहानी है कि लोकल नेम बात करें, बहुत सारे हैं जीवों को, अब इन्हीं लोकल नेम को भाई कितने नाम से जानेंगे, परेशान हो जाएंगे सब, इनका नामकरण हो ही नहीं पाएगा जीवों का, जिसकी वजह से क्या आया आपका, जिसकी वजह से आपका क्या आया, दीज आर दी बाइनामी नामन क्लेचर, जिसमें लिनियस साहब ने डायरेक्ट बता दिया जितने भी जीव होते हैं जीव के दो नाम होते हैं, जीव के दो नाम होते हैं, एक तो उसका जेनेरिक नेम होता है जिसको जीनस बोला जाता है, वंश बोला जाता है, दूसरा क्या होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पेसिफिक नेम जिसको बोल सकते हो क्या, स्पीसीज यानी कि जात, एक तो वंश दूसरा जाति, दो नाम से पुकारा जाएगा सिंपल। अब देखो भाई हम परेशान वरेशान नहीं होंगे, बस इसी पे बस लिनियस साहब बता देंगे सिंपल, जैसे आलू को ही ले लिया जाए, आलू को कैसे जानेंगे, आलू को ही ले लेते हैं, देखो भाई आलू की बात हो रही तो आलू को ले लेते हैं, आलू को कैसे जानेंगे, आलू के लिए सिंपल सा टर्म यूज करेंगे भाई, इसको आलू का सोलेना होता है, क्या होता है,
सोलेनियम टू बेरियम खाओगे, सोलेनियम टू बेरियम खाए खाओगे, सोलेनियम टू बेरियम अगर जानते रहोगे तब ना बोलोगे, कहीं कहीं भी साइंटिफिक नेम से भी चीज़ों को बोला जाता है, कहीं कहीं देश ऐसे हैं जहाँ पे साइंटिफिक नेम से सब चीज़ों को, जितने भी फल हैं सब साइंटिफिक नेम से पाए जाते हैं। तो सोलेनियम टू बेरियम अगर पढ़े रहोगे बायोलॉजी का, सोलेनियम टू बेरियम लाओ लाओ, सोलेनियम टू बेरियम अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे सोलेनियम टू बेरियम क्या है इसको ध्यान देना, स्मॉल लेटर में हमेशा लिखते हैं, सॉरी स्टूडेंट इसको स्मॉल लेटर क्यों लिखते हैं अभी बता रहे हैं, टू बेरियम सोलेनियम टू बेरियम। अब सोलेनियम टू बेरियम जो लिखे हैं, अब चीना क्यों खींचे इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब अभी बता रहे हैं। और स्मॉल लेटर पहले देखो, कैपिटल लेटर लिखे फिर स्मॉल लेटर। अब यहाँ पे सोलेनियम क्या है, सोलेनियम क्या है इसका जीनस है, क्या है स्टूडेंट जीनस यानी जेनेरिक नेम, क्या है इसका जीनस, जीनस है, जीनस मतलब वंश है इसका, क्या है भाई वंश है। और टूबेरियम क्या है इसकी स्पीसीज है, क्या है भाई स्पीसीज यानी कि जाति है, क्या है जाति, सोलेनेसी फैमिली का है। कहने का सोलेनियम टूबेरियम इस तरीके से साइंटिस्ट भाई ने भी नाम दे दिया गया, एक तो उसका वंश नाम हुआ जीनस हुआ, दूसरा क्या हुआ स्पीसीज, जीनस क्या है सोलेनियम है, स्पीसीज क्या है टूबेरियम है, जीनस क्या है सोलेनियम है, स्पीसीज क्या है स्टूडेंट टूबेरियम है। तो कहने का मतलब इस तरीके से जितने भी जीव होते हैं सभी जीव कितने नाम होते हैं, दो नाम होते हैं, इसको मिलाकर हम साइंटिफिक नेम के नाम से पुकारते हैं, समझ रहे हो। और जब भी जीवों का साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नेम लिखा जाता है हमेशा जीनस को ध्यान देंगे, जीनस को, जीनस का जो पहला अक्षर होता है कैपिटल लेटर में होता है, दूसरा अक्षर क्या होता है जीनस का तो पहला कैपिटल लेटर में होगा, और स्पीसीज में, स्पीसीज में पहला अक्षर होता है स्मॉल होता है, याद रखेंगे। इसके बाद जब आप इटालियन लेटर में लिखेंगे इसको, इटालियन लेटर में लिखना बहुत मुश्किल है, जब आप इसको इटालियन लेटर में लिखते हैं तो क्या होता है तब उसको हम अंडरलाइन नहीं करते हैं, जैसे इटालियन लेटर में जब लिखते हैं तो नीचे अंडरलाइन कर देते हैं कहाँ पे जीनस और स्पीसीज में, जीनस और स्पीसीज में। हाँ यार पक्का समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, समझ में आया। अब आपको एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके ऊपर बात करते हैं, एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में सिंपल से दिया जैसे मैंगो ले लें, मैंगो, अब मैंगो का जीनस क्या है, मैंगो का जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, मैंगो का क्या है मैंगी, मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका है कि नहीं, मैंगी फेरा इंडिका, यहाँ पर मैंगी फेरा क्या है, अब देखो फिर से स्मॉल में लिखे छोटा लिखते हैं, मैंगी फेरा और इंडिका, मैंगी फेरा क्या है इसका, बोलो फटाक से बोलो क्या है मैंगी फेरा, मैंगी फेरा क्या है जीनस है, क्या है भाई जीनस है, वंश है, और ये क्या है इंडिका स्पीसीज, स्पीसीज स्पीसीज। उसी तरीके से ह्यूमन का लिखो, मानव का अपने तो जान ले, अपना जाने होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो क्या है जीनस है, स्पीसीज क्या है उनका, स्पीसीज क्या है होमो क्या है जीनस, स्पीसीज क्या है सेपियंस है। कुछ लोग कहते हैं जैसे जीनस मतलब वंश, मतलब तुम्हारे वंश कौन है, वंश कौन है, बोलते हैं दादा है, दादा का दादा का मतलब वंश का मतलब भाई हम लोग का साइंटिफिक नेम की बात हो रही है, लीनियस के अनुसार सबका वंश मेन है, सबका वंश जितने भी मानव सबका वंश समान है, सबका वंश क्या है, सबका वंश यही है कि होमो। और सबकी जात क्या है, जब जैसे ही जात वर्ड यूज किए होंगे अलग अलग टाइप के माइंड में आपको ख्याल आए होंगे, हमारा जात ये है, हमारा जात ये है, हमारा जात ये है, भाई सबकी जाति समान है, बायोलॉजी सबको एक नज़र से देखता है, ध्यान देना जीव विज्ञान की खास बात यह है कि जो विज्ञान सबको एक नज़र से देखता है, भाई एक नज़र से मतलब सभी ये समान है, सभी में तुम्हारे में भी किडनी है, हमारे में भी किडनी है, फेफड़ा हमारे में तुम्हारे अंदर फेफड़ा है, हृदय हमारे, हार्ट हमारे में हार्ट तुम्हारे में, भाई क्या अंतर, ब्लड तुम्हारे में ब्लड अंदर, तब भी लोग अलग अलग टाइप से पता नहीं क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से रिलीजन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है उसके बारे में मुद्दा नहीं रखते हैं। सिंपल सी बात है सबका जात क्या है सेपियंस, सबकी स्पीसीज क्या है होमो सेपियंस, जीनस एंड स्पीसीज। इसके अलावा मटर का ले लो पाइसम से टाइबम, पाइसम क्या है जीनस है, से टाइबम क्या है स्पीसीज है। इसके बाद क्या ले लो राहट है जीनस, इसके बाद क्या ले लो टमेटो का, इसके बाद क्या ले लो, इसके बाद ले सकते हो अरहत का जनस का जान, का जनस क्या है जीनस है, खजान क्या है स्पीसीज है। और ले लो जिंजीवर ऑफिस लेनिस, जिंजीवर ऑफिस नेलिस, जिंजीवर ऑफिस नेलिस किसका है भाई, किसका है अदरक का है ना भाई, जिंजर क्या है जिंजीवर क्या है जीनस है, ऑफिस नेलिस क्या है स्पीसीज है। इसके अलावा क्या लोग है, क्या लोग बताओ रेटिकम राइजियम, गेहूँ जीनस स्पीसीज, रेटिकम राइजियम स्पीसीज, और क्या ले सकते हैं भाई।
बहुत सारा जितने भी असाइनमेंट नाम है ये सबका जोड़ के देखो जीनस क्या है फीस क्या है जीनस क्या है फीस क्या है पक्का। मतलब कि कहानी सिंपल है हमारी, कहानी एकदम सरल है। कहानी ये है, कहानी ये है, याद रखे रहना। कहानी ये है कि लीनियस के अनुसार याद रखेंगे बाइनोमियल नंबर दिए किसने, लीनियस साहब ने। और लीनियस साहब ने यही बताया कि जितने भी जीव होते हैं उसके कितने नाम होते हैं, दो नाम होते हैं, पहला होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज। अब जीनस स्पीसीज यानी उसका जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं, लिखते समय ध्यान क्या देना चाहिए, जरूरी क्या है, जरूरी ये है भाई जीनस का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लिखते हैं। जब हम उसको इटैलियन लेटर में नहीं लिख रहे थे तब की बात होती है, और इटैलियन लेटर तो लिख ही नहीं सकते जल्दी, समझ रहे हो, लिखना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा जब आप लिखते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, और इसका जीनस का जैसे सोलेनम टू ग्रेटम लिख रहे हैं तो सोलेनम में क्या लिखें, यस क्या लिखें, कैपिटल लिखेंगे, और जीनस कैपिटल सोलेनम। लेकिन जब स्पीसीज लिखेंगे तो स्पीसीज का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, क्या बोलेंगे स्पीसीज, सोलेनम टू ग्रेटम नीचे अंडरलाइन कर देंगे, जीनस और स्पीसीज के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से क्या हो जाएगा, बाइनोमियल नामकरण हो जाया करेगा। यानी बाइनोमियल नामकरण सिंपल सी बात है, किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, एक तो होता है उसका जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज। जीनस का पहला अक्षर कैपिटल में लिखते हैं, स्पीसीज का पहला अक्षर क्या लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। जीनस स्पीसीज लिखने के बाद नीचे से अंडरलाइन करेंगे, जीनस के नीचे स्पीसीज के नीचे, हाँ या ना, पक्का समझ लाएंगे, पहले बताओ। तो इस तरीके से बाइनोमियल नामकरण को हमने पढ़ा। अब बाइनोमियल नामकरण क्यों जरूरी है, इसका भी मतलब हमने समझा कि बाइनोमियल नामकरण जरूरी क्यों है, जरूरी क्यों था, क्योंकि आलू को भी कई नामों से जाना, हमने एग्जाम्पल में बात किया, वहाँ बटाटा बोल रहे हैं आप, पटेटो बोल रहे हैं, आलू बोल रहे हो, कभी प्लूटो बोल रहे हैं। तो अगर उसको साइंटिफिक नेम हो जाएगा जिसको साइंटिस्टों को समझने में आसानी होगी, लेकिन अपने यहाँ गाँव में बहुत सारे जीव को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जितने भी जीव हैं सभी के क्या है, जूलॉजिकल नेम, बोटेनिकल नेम, सभी जीव के हैं, जितने भी जीव हैं सभी को साइंटिस्टों ने क्या करा है, खोज करके उसका अलग अलग नाम रखा है। समझ रहे हो कि नहीं भाई, अपना होमो सेपियंस, बहुत सारे जीव की बात करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कोरिलेट करके। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है, जैसे क्लासिफिकेशन क्या है, रैंक ऑफ टैक्सा क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक का रिलीज क्या है, टूल्स क्या है, टैक्सोनॉमी के टूल्स क्या है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सोच रहे हैं वीडियो लंबी ना हो जाए ना इस वजह से, नहीं तो हम एक में ही पूरा चीज़ पढ़ा दें, तो वीडियो लंबी ना हुआ करे, तब भी स्टूडेंट सोचते होंगे लंबी तो हो ही जाती है भाई, क्या करें लंबी हो जाती है, दिल की बातें होती हैं जो आपसे करना होता है, दिल का ताज वगैरह जो आपसे, समझ रहे हो, अगर आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे भाई। सिंपल सी बात है, आप चीज़ों को मतलब सोचते हैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से कुरेट करके समझ में आए, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से पढ़ सकें। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे, फीडबैक भी देंगे, जो चीज़ पूछ रहा था उसको भी कमेंट किया करें। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स।